मेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड डॉटर, इसमें दीदी का रोल कर रही है दुर्गा देवी पटेल का, उनकी बेटी का रोल कर रही है रोशनी का निया पटेल फैमिली। तो खुराना फैमिली से श्रुति है और उनके हस्बैंड और जो जवाई राजा का लीड रोल कर रहे हैं बाकी जी टीवी ने। तो जनरली अगर आप अभी तक जितने भी आम होना आपने देखे हैं टेलीविजन शोज सीरीज सोप्स सब किचन पॉलिटी से दिखाया जाता है, वो सिर्फ एक औरत के नज़रिए से या लड़की के नज़रिए से दिखाया जाता है। बट यहाँ पर वो थोड़ा नया करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास है। तो बट यहाँ पर एक परिवार है जो खुरानाज हैं, एक है पटेल, बहुत विपरीत हैं एक दूसरे अलग। सिर्फ अगर पैसे की बात की जाए तो पैसे के स्टैचर में सिमिलरिटी है, बट अदरवाइज जो है हार्डकोर पंजाबीज हैं, अपर क्लास बिजनेसमैन, वेरी ब्यूटीफुल पीपल, जोवियल पीपल होते हैं, सेलिब्रेशन पे बिलीव करते हैं। उनका जो आपस में रिश्ता है फादर इज लाइक अ फ्रेंड। और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं पटेल फैमिली एकदम गुजराती स्टॉन्च, एकदम वेजिटेरियन, और तो सब वहाँ एक तरह से खौफ की ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पर पॉकेट मनी सबको रहन सहन सब दीदी कंट्रोल करती है। तो ये दो फैमिलीज हैं और यहाँ पर होता है कि इन फैमिलीज का रिश्ता, रोशनी एक ऐसी लड़की है जो बहुत फेडअप हो गई है अपनी माँ की रहन सहन से, उसके वे ऑफ लिविंग से, हर चीज़ उसके मुताबिक होती है, उसको अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ की तुलना पैसे से की जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो है कि अगर मैं किसी परिवार में जाऊँ तो मैं ऐसे परिवार में जाना चाहती हूँ जो मिडिल क्लास है, जहाँ पर रहता है। तो उसकी मुलाकात सिद्धार्थ से होती है, मेरा बेटा जो बना है। उसको जब पता चलता है दैट शी वांट्स टू मैरी समथिंग, आई बिलीव इन समथिंग, जो जैसे ये एक्ट्रेसेस इतनी खूबसूरत दिखती हैं, आइए पीछे का रहस्य जानने की कोशिश करें। लेकिन ब्रेक के बाद आई नो कहाँ देखूं या घुमाती रहूं, घुमा दूं चलेगा, है ना? अच्छा अच्छा ओके हाँ ओके। बहुत ही खास शो है बिकॉज एक अलग नज़रिए से इस शो को देखा जाएगा एंड ये एक वुमन के नज़रिए से नहीं है शो, बल्कि एक मेल प्रोटैगनिस्ट है इसमें जो जमाई राजा है, जो रवि दुबे प्ले कर रहे हैं। और मेरा कैरेक्टर है सिमरन खुराना का, जो प्रोटैगनिस्ट की माँ है, बहुत पंजाबी फैमिली से है, अपर क्लास, बहुत रिच, लेकिन अंदर से जो है उनकी जो बोलते हैं अमीर तो वो हैं ही पैसे से, लेकिन दिल से भी बहुत अमीर हैं। एंड बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, बहुत ब्यूटीफुल है और वार्म है, और उसका जो रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ है वो एक बहुत ही दोस्ताना है। पहली चीज़ तो ये है, फर्स्टली द प्रोटैगनिस्ट इज़ मेल, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमने सारी चीज़ों को ओवर द टॉप नहीं किया है, जैसे ड्रामा भी है जो बहुत सटल ड्रामा होगा, अगर कॉमेडी भी है तो बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी होगी, ओवरऑल स्लैपस्टिक नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने अपने अपने क्लोथ्स में, वेशभूषा में भी हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत लादा नहीं है अपने आप को। जनरली आप देखेंगे, इफ़ यू सी जस्ट मी, आई एम वेयरिंग जस्ट अ कड़ा, मैंने खूब सारे बैंगल्स नहीं पहने हैं, ईयरिंग्स थोड़ा सा बड़ा किया बिकॉज नेक में कुछ नहीं पहना है, एंड सिंदूर नहीं लगाया। सो एक बहुत ही रियलिस्टिक उसमें बट वेरी क्लासिली हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर कैरेक्टर को उसका अटायर देने की, एक ये चीज़ अलग है। दूसरी चीज़, कहानी नहीं है, आपको लगेगा कि बहुत ही ये कहानी तो बहुत बार की जा चुकी है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी कहानियां हिंदुस्तान में होती हैं जो एक जैसी होती है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो इस शो में, जमाई राजा में भी वही प्रयास है कि हम प्रस्तुत करें इस शो को एक अलग तरीके से। तो थैंक यू सो मच।